ज्योतिष आचार्य जी, पूरे देशवासियों को सिर्फ एक तारीख का इंतज़ार है, वो है 22 तारीख। उस तारीख में भगवान राम की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। वहीं हिंदू धर्म में माना जाता है कि कोई भी शुभ कार्य करने के लिए शुभ मुहूर्त देखा जाता है। तो जब अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस समय की शुभ मुहूर्त क्या रहेगी और वो मुहूर्त कैसा है? हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ। देखिए, हिंदू सनातन धर्म में किसी भी देवी देवता की प्रतिष्ठा करने के लिए मुहूर्त तो आवश्यक है, और इस बार जो हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म के लिए यह राम मंदिर बना और उसमें रामलला की मूर्ति प्रतिष्ठित होगी, यह तो बहुत गौरव की बात है। हमारे देश का बहुत सबसे बड़ा काम है, और इसमें जो मुहूर्त है 22 जनवरी पूष शुक्ल पक्ष द्वादशी सोमवार, तो मृगेश्वरा नक्षत्र और अभिजीत मुहूर्त, कोई भी देवी देवता की प्रतिष्ठा के लिए मुहूर्त में 30 मुहूर्त माने गए हैं, जिसमें सबसे उत्तम मुहूर्त अभिजीत है। तो अभिजीत मुहूर्त में प्रतिष्ठा रामलला की होगी, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि भगवान इतने दिनों के बाद अपने घर में प्रतिष्ठित होंगे, तो मुहूर्त इसमें देखने की आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ऐसा निर्णय लिया है, वह अत्यंत शुभ कारक मुहूर्त है, और यह हमारे देश की बहुत बड़ी गौरव की बात है। अभिजीत मुहूर्त में भगवान राम अपने घर में विराजमान हो जाएंगे। ज्योतिष आचार्य जी, माना जाता है कि इसी मुहूर्त में भगवान राम का जन्म भी हुआ था, क्या ये कहाँ तक सही है और क्या है? रामचंद्र जी का जन्म जो हुआ था वह चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, इस आधार पर और दोपहर का समय जो था वह अभिजीत मुहूर्त था। अभिजीत मुहूर्त में ही भगवान राम का जन्म हुआ है, और रात्रि के अभिजीत मुहूर्त में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है। तो जब दोनों भगवान का जो जन्म हुआ है वह अभिजीत मुहूर्त ही माना गया है। लग्न वहाँ कर्क था, नक्षत्र पुनर्वसु था, लेकिन यहाँ जो प्रतिष्ठा हो रही मुहूर्त अभिजीत है, और लग्न जो है वह चर लग्न है, नक्षत्र मृगसरा है, इसलिए मुहूर्त बहुत अच्छा है, इसमें रामलला की मूर्ति स्थापित होगी।